दोस्तों खट्टी डकार से अगर आप हैं बहुत परेशान, खाना खाने के बाद खाना ठीक से पचता नहीं, आपको खट्टी खट्टी डकारे आते हैं, अपच की समस्या है दोस्तों, तो आज मैं आपको प्यास से चार उपचार बताऊंगी। इन चार उपचारों को करने से आपको कभी भी खट्टी डकार की शिकायत नहीं होगी। कभी भी होती भी है तो इन उपचारों में से कोई भी एक उपचार करेंगे, आप देखेंगे खट्टी डकार आने की समस्या ठीक हो जाएगी और इससे आपके पाचन शक्ति में को भी ताकत मिलेगा, आपका पाचन शक्ति भी बूस्ट होगा। तो चलिए बताती हूँ कि उपचार चार हैं क्या। सबसे पहला चीज़ है दोस्तों, अगर आपको खट्टी डकार आती है तो आप एक बड़ा चम्मच प्याज का रस उसमें एक चुटकी नमक डाल के तुरंत ही पी जाएँ, आप देखेंगे खट्टी डकार तुरंत ही ठीक हो जाती है। दूसरी चीज़, प्याज का छिलका हटा के जैसे सेब खाते हैं उसी तरह से काट काट के खा लें, आपको देखेंगे मिनटों में खट्टी डकार की शिकायत ठीक हो जाती है। नेक्स्ट तीसरा उपचार है, प्याज को काट लीजिए, उस पर आप नींबू, थोड़ा सा नींबू का रस उस पर छिड़क लीजिए, स्वाद के अनुसार थोड़ा चाहें तो काला नमक डाल के आप उसे खा के देखिए, आपकी खट्टी डकार की शिकायत तुरंत ही दूर हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों चौथा उपचार है, प्याज को स्लाइसेस में काट लीजिए और उसके बाद उस पर सिरका आता कोई भी सिरका हो, ब्राउन वाला सिरका हो या फिर एप्पल साइडर विनेगर हो, जो भी सिरका आपके पास है उसमें प्याज को डुबा दीजिए। दो से तीन मिनट डुबाने के बाद उस प्याज को आप पूरा खा जाइए और सिरका जो है आपके पास एक चम्मच डालेंगे उसे भी पी जाइए, अब देखेंगे खट्टी डकार तो ठीक हो ही जाएगी, साथ साथ आपका पाचन भी बूस्ट होगा, आप जो कुछ खाएंगे आसानी से पचने लगेगा। तो खाने के साथ प्याज को इस तरह से किसी भी मेथड से खा सकते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों, लाइक से कोई भी पैसे नहीं मिलते, बस मोटिवेशन होता है कि आपको वीडियोज़ पसंद आ रही हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, उसके ऊपर जो बेल आइकन होता है उसको क्लिक करें, ऑल पे ऑप्शन जरूर क्लिक कर दीजिए जिससे कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक अपना खूब खूब ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।